देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। मामला बबेरू कोतवाली क्षेत्र के बुलौली गांव का है, जहां पर तेज बारिश के चलते लोग यात्री शेड के नीचे बैठे थे, तभी अचानक गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिसमें एक 18 वर्षीय युवक अरविंद व 60 वर्षीय महिला केसनिया की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 8 लोग बुरी तरह से झुलस गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची डायल 100 व कोतवाली पुलिस पहुंचकर घायलों को अपनी गाड़ी से ले जाकर बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने 5 लोगों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस क्षेत्राधिकारी व बबेरू के उप जिला अधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया व मृतकों के परिजनों को यथाशीघ्र आर्थिक मदद का भरोसा दिलाया। आज ये बड़ी दुखद घटना हो गई। वहाँ यात्री सीट के नीचे जो है यात्री लोग बैठे हुए थे, जिसमें तो एक रविकरण पुत्र अरविंद कुमार 20 साल का बतौरा का है और किसनिया पत्नी राजाराम स्वर्गीय राजाराम ये 65 साल की पटौली की इनकी डेथ हो गई है और 5 लोग ये मोहनलाल पुत्र श्रीवास पिरौली का और कल्लू जगवीर बतौरा का, बैल बिहारी शिव कुमार बतौरा और शिवमन मुर्गी बतौरा और दादूराम दयादंद यादव बतौरा, ये लोग 5 लोग घायल हुए थे, तो इनको जो है पाना रिफर कर दिया गया है और 3 इनके प्यारेलाल राजाराम और रमाकांत जगन्नाथ तिवारी बुढ़ौली का और एक कमलेश वर्मा देवीदेन वर्मा बतौरा का, इनको हल्की फुल्की है कि ये अपना घूम रहे हैं, मैंने लेखा कोई ज़्यादा होता नहीं इस तरह से। ये सर का मृतकों को आर्थिक मदद दी जाएगी? घायल नहीं इनका विजेता नहीं होगा। अभी 10 लोगों को आकाशीय बिजली गिरने से घायल अवस्था में कुछ लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाए थे, जिनका मेरे द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया, इसमें एक महिला और व्यक्ति डेड टू डेड था, 5 को रेफर कर दिया गया है प्राथमिक उपचार। बांदा से संवाददाता विष्णु सिंह की रिपोर्ट, यूपी क्राइम। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।